हिमाचल के जिला कांगड़ा में स्थित मां चामुंडा देवी का मंदिर चारों ओर से खूबसूरत पहाड़ों से ढका हुआ है और इसकी दूरी धर्मशाला से 15 किलोमीटर, पालमपुर से 20 किलोमीटर, बज्रेश्वरी देवी मंदिर से 25 किलोमीटर और ज्वालामुखी मंदिर से 63 किलोमीटर और चिंतपूर्णी मंदिर से 91 किलोमीटर और पठानकोट से 105 किलोमीटर दूर है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक चामुंडा देवी मंदिर को देवी सती के कुंजा शक्ति पीठों में से एक गिना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी के चरण गिरे थे। मां चामुंडा का मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में चामुंडा देवी का दूसरा दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में चामुंडा देवी भी शामिल है। यहाँ आकर श्रद्धालु अपने भावना के पुष्प माँ चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। चामुंडा देवी मंदिर मुख्यतः काली माता को समर्पित है। माता काली शक्ति और संहार की देवी है। जब जब धरती पर कोई संकट आया है, माता ने दानवों का संहार किया है। असुर चंड मुंड के संहार के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। चामुंडा देवी का यह नया मंदिर है। प्राचीन मंदिर एक ऊंचे पर्वत शिखर पर है और उसे हिमानी चामुंडा के नाम से जाना जाता है। वहां जाने के लिए अधिकतर पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता है। बर्फ़ से ढके होने के कारण वहां जाना काफ़ी कठिन था। कथा अनुसार माता ने राजा के स्वप्न में जगह भी बताई और उस स्थान पर धरती में दबी हुई माता की प्रतिमा भी मिलेगी, यह भी बताया। माता ने कहा, निर्माण किए जाने वाले नए मंदिर के अंदर वही प्रतिमा स्थापित कर उसकी पूजा की जाए और राजा और पुजारी ने माता के आदेशानुसार इस जगह खुदाई की तो एक प्रतिमा प्राप्त हुई और उस प्रतिमा को धार्मिक विधि अनुसार यहाँ स्थापित किया गया। इस मंदिर के नीचे एक और मंदिर है, इसे नंद किशोर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ ऐसा एहसास होता है, भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों से इस बड़ी शिला को रोका हुआ है और शिला के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग है और ऐसा प्रतीत होता है इस शिवलिंग के कारण ही यह शिला रुकी हुई है।
यहाँ प्रकृति ने अपनी सुंदरता भरपूर मात्रा में प्रदान की है। चामुंडा देवी मंदिर बनेर खड के पास बसा हुआ है। पर्यटकों के लिए यह एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, मैंने आपको चामुंडा देवी मंदिर दिखा दिया है और उसके बारे में बता भी दिया है, और यहाँ पर आप कैसे आओगे कैसे नहीं आओगे वो सारा आज के ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आप जब भी यहाँ विज़िट करोगे तो यहाँ भी ज़रूर आओगे, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपका जो भी क्वेश्चन हो क्वारी हो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो फिर आज मैं लेता हूँ आपसे विदा और जल्दी आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।